पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। करुवत ले वह पाया न अवगत था हानि, करोड़ तो यज्ञ कर लिया इसमें एक यज्ञ और करोड़ पर भी ना आया, कुंभ का मेला लाग रहा हो जाइयो जहां पार हो जाओगे। बंदी छोड़ के है पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया, या पर भी रोज नाम की तेरे को दे रखी अपना छक्का ना इसमें। और कांसी कोटिक कांसी क्रौत ले भाई पावन आओगे थान, क्रौत की चीज थी या सुन लो देख बंदी छोड़। कहते हैं पहले ताड़ा उठक लेंदे उन भक्तों ने, तेरी माता तेरे पितर से दस है, तेरी माँ गऊ मांगा से गऊ ले लेंदे, एक सोने की बिल्ली बनवा दे, एक सोने की माई बनवा दे माता है, उसका कति कांच कटवा के फिर वो मरण की सोचदा। तो बोला कांसी में क्रौत ले ले ठिपायर हो जाएगा। वो कांसी में क्रौत क्या था कि एक आरा ला रखा था कसाईयों ने, जो मेरे कैसी नीच आत्माएं थी जो गुमराह करने वाली, तो वहां पर क्या कर रखा था कि एक बहुत मतलब बीच में गुफा सी बना रखी नीचे के, अब भी बना हुआ है वो स्थान जहां पर क्रौत दिया मारा करते थे, और उनका ऊपर दूर तक कंट्रोल कर रहे थे बहुत दूर तक, और बीच में जगह छोड़ रखी थी कि क्रौत एकदम आ जाना कट दे ही काट कर फट दे ऊपर पहुंच जा, दो उसको कंट्रोल होते चलाने वाले, इतना लंबा क्रौत था, और नीचे उस गुफा में ले जाकर गंगा के घाट पे और उसकी नाड़ दरवान देख सलाप है अकिया नाड़ दर देख क्रौत आओगा भगवान के करते और तेरी नाड़ काट गया तेन सोच ले तू पार से, तो नाड़ तो काटनी थी उड़ा और कौन सा उड़ा लाडू मिलने थे, जब वो ऊपर कर दे तो घुमा देंदे पच दे नाड़ काट देंदे और फिर दूसरी ऊपर कर दे, एक दोस्त का साथी जाना देखा भाई ये मुक्त हो गया गंगा में धक्का दे देंदे, यो क्रौत था। और कहते हैं भाई जिसने क्रौत ले लिया तो स्वर्ग में पहुंच गया, इतनी बूढ़ी द्रुगति कर रखी थी हमारी अज्ञानी जीवों ने। तो कहते हैं कोटिक कांसी क्रौत ले ले तने पावना अवगत थान, कोटिक तीर्थ व्रत करत हैं कोट करें पुन दान, कोटिक जप तप संयम करते पाया न पद निर्वाण। नरे जप भी करे हैं बतेरी माला फेरनी है देखे बेचारे हमने, और भाई तप भी करते हैं परंतु वो निर्वाण पद नहीं मिल सकता जो बंदी छोड़ दे देते हैं। उर्द्वमुखी पच अग्नि तापे आसन पदम लगाही, दूधा धारी अन परहारी जमक पकड़े जाही। ओए होए उल्टे खड़े होकर लटके और पांच धोने लाकर उसका ऊपर तपस्या करे और आसन पदम लगा के बैठे और दूध खावे है नो कहे अन्न नहीं खांदे, अन प्रहारी अन्न तो छोड़ दिया और दूध बस फल और दूध पीते हैं, नो कहे वह भी काल लगो उनके केस पकड़ के ले जाएगा बाल पकड़ के ले जाएगा उनको। जल से जा निस्वासर कर ही झरने बैठे आए, धूमर पान करें दरवेशा जमकिंकर जमकिंकर गुर्जा खाए। अपनी सिद्धि से पानी के ऊपर नो लेट जाते हैं और डूबते नहीं, और फिर झरना में बैठ जाते हैं ऊपर से पानी पड़ा बर्फ का, युपो का महीना, और कहते हैं जो सुल्फे पीवे और बीड़ी होका पीवे कहते हुए जमकिंकर गुर्जा खावे, यम के दूत उनका बाले ठोकेंगे गेर के जब बेरा पटेगा इन्हें। अरे को ना सुल्फा तो पिया एक संता का ओस है, कमाल की बात कर रहे हो। तो जो भगवान अपना विधान लिख रहा है कि ये नुकसान होगा ऐसी करनी से तो वो हमने परित्याग करनी होगी व छोड़नी पड़ेगी। उर्द्वमुखी जल सेज्जा निस्वासर करहे झरने बैठे आए, धूमर पान करें दरवेशा जमकिंकर गुर्जा खाए। अंत उपास तरास नहीं देही जिमे पंच गिरासा गिरास, जड़के आगे घंट बजावे जिनका जमपुर बैसे। अनंत उपासा किरा कह ढाल की साधना करते हैं और तरासा अंत उपास तरास तन देही शरीर को दुख देते हैं जेठ के महीने में, और दूने पांच दूने लाके तपे तो क्यों खाम खा पाखंड करे बोड़ी बूझ
इस ते केम लगा नो कह बंदी छोड़ के फिर जमपुर बंदे जा उस काल के नरक में जाएंगे वो लोग। उल्ट कपाली आसन लावे जिनको कछु न लाभे, कस्तूरी है नाब कमल में मृग ढंडोर है घास। एक कस्तूरी का मृग होता है, उसके सुंडी में नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी मैं कान लाग जा उसने अपने ही अंदर से, और वो सांस जब घास खाता है सांस टकरा कर जमीन से उल्टी सांस ले जब ले सा उसमें तो मैक आती है और वो पागल सा हो जा सके उत्तरी का या मैक इधर भाग्या उधर भाग्या नू जावे नू सूंघता हुआ पागल सा हो जा। एक ने उसके पकड़ का कान और ऊपर ने मुंह कर लिया करवा दिया ऊपर ने मुंह करवा दिया वह सांस छोड़ी फिर आई फिर छोड़ी फिर तो नए ला गया करण खड़ा खड़ा क्यों थी तमाए। तो इसी प्रकार हम कदे माता धोकन जा सें कदे तीर्थ पर जा सें कदे गीता पढ़न बागले सन्यो का ये उड़ा कोई नहीं परमात्मा परमात्मा तो भीतर है ऊपर ने ना कर ले यानी सुमरन शुरू कर दे तेरा आपे आ जाएगा भीतरो कीता नहीं से। तो कहते हैं जड़ आग गए वो घंट बजावे उल्ट कपाली आसन लावे जिनको कछु न लाबे, कस्तूरी है नाब कमल में मृग ढंडोर है ढाब। वो डाब ढूंढता हंडा उन घास के अंदर है यानी तीर्थ व्रता पे मंदिर पे अमरनाथ पे गए पातशाह बताते हैं को 2-3 हजार आदमी मर गए वहां भगवान बैठा था और वहां पर क्या नाम है यो था ना हरिद्वार के ऊपर ने केस है वो नीलकंठ है नीलकंठ पे गए थे सन 1991 की बात से नो कह 2,500 आदमी दबके मर गए उस नीलकंठ का तले बता वहां भगवान था खुद भगवान। शंकर में कोई शक्ति कम नहीं है तीन लोग की परम शक्ति है ये पर वो भी कोई ना राजी पाखंडा ते तब तो वहां जाओ सो जाओ मैं हूं ही नहीं बंदी छोड़ कहता है एक नाम जपो भगवान कृष्ण शंकर का भी नाम से जो हम जपते हैं हमारे साथ है भगवान शंकर उन गेलना थोड़ा है जो हंडा धक्के खांदे और गुमराह करें बैठे इस बोले बोली वाली प्राणियों को। अगर भगवान शंकर का आपको नाम ना लाभ ना मिले तो हमने कहना हम बताओगे वो मंत्र वो जाप उनका अड़ ग्रह बैठे कति कावड़ नहीं लानी ना कि अमरनाथ पर जाना फिर बिना तसली होने को मैं बनांदा क्यों फिर मारा बीमारी यह होगी कि साधु को ना यू साधु किसने माने साधु लाल कपड़े हो अच्छी बड़ी जटा हो गलमा माला हो कान पड़वा रहा हो चमटा ले रहा हो है और दूने ला रहा हो चोकर दे गए वो तो साधु ना तक मैं नहीं साधु। गरीबदास जी ने कद के करा था आज माथा टेक दे हंड नरकड़े ताई पसारा फैर रहा उनका धोती कुड़ते मरा करते। कबीर साहब ने कद सी कान पड़वाए लाल कपड़े पहरे थे एक का तो बता दो हमारे को। और हमारे गुरु जी ने भी चलो देखा देखी वहां चले गए थे हरिद्वार थोड़े दिन रहे थे वहां पर वो और साधु बैठा कर दे लाल कपड़े आड़े उनने तो माथा टेक कर वो खुद पूर्ण शक्ति बैठी उसने को पूछे कोई नहीं बंदी हमारे गुरुआ ने उन्हें सोची दे डांगर बड़ोए बैठे निश्ता अच्छा तो मैं लाल ला पैर लू कम से कम सही मार्ग तो बता दूंगा इन्हें उनने वो पैर लिए उड़े और वो सही रास्ते दुनिया गिरा कितने सुलझा गए वह इस भाव से पैर उन्हें लाल कपड़े कोई सकता नहीं वो शब्द से शक्ति प्राप्त की। हमारे दादा गुरु आपको कल दिखाए थे धोती कुर्ते मरा करते छावड़े के जाट थे गोपालपुर आश्रम से उनका कति धोती कुर्ते में उनसे एक बुढ़िया नाम ले रखा टीकरी में वाह मेरी मने हम टीकरी पाठ करने जा रहे थे तो वह कहने लगी जी मैंने भी नाम ले रखा कितने गोपालपुर ते माँ किस पे के वो था बोला मेरा नहीं कह गया थी आनंद आनंद मां चिदानंद बोले हाँ हाँ चिदानंद जी चिदानंद चिदानंद पर ली थे बोला नाम वहां अच्छा वो बोला माई वो लाल कपड़े पहरा करते बोला ना वो तक तीनों के धोती कुर्ते मरा करते साफा बांध दिया करते। उनसे पहले हमारे यहाँ गरीबदास भेख में कोई लाल कपड़े आला संत नहीं हुआ करता साधारण संत हुआ करते जैसे आम उसमें और शब्द से शक्ति हो सह कमाई तो नाम से होगी उस तो मुक्ति होगी और लाल कपड़े पहन तो अंधे दिला सारे पहन ला एक दिन बैठ कर हाँ के फर्क पड़ा है कान भी पड़वा ला गण तो ना लग दी इसमें छोरी सारी पड़वा रही है तो ये हम बढ़ा रखे थे एक ओर न मेट दे दूसरी त्यार दूसरी मेट दे तीसरी त्यार तीसरी मेट दे फिर ये माता मसाणी ना छोड़ दी। और कह महाराज कहे ना भाई बोली सी बुढ़िया गुरु बिन कैसे सरिया बोला उस माता पर कुत्ता मूत है वो क्यों ना मर जाइया जिस तो तेरी घीघी बंद रही उसके ऊपर वो कुत्ता मूत है अरे तू नो कहो खा जाएगी माता हमारी पुराना पितर शहीद है। तो ये सब मतलब धोखा और भय बढ़ा रखा है इस काल ने हमारे को डरा इतना रखा है। तो सतगुरु महाराज कह मेरी शरण माया पास तेरा सारा भय मिटा दूंगा। अब क्या कहें भाई मुंड मुंडाए भस्म तन लावे जटा बधावे केश
ऊंचे आसन मुद्रा पर ना सतगुर उपदेश। सतगुरु कबीर साहब वाला उपदेश नहीं उनके पास है, तो उनके लिए क्या बनेगी भाई? तप से राज राज से नर का बहोर बहे हैं स्वान, कुत्ते बनेंगे फिर वो। भक्ति मुक्ति का राह अगम है, कोई सतगुरु देव दान। अब बत्ती छोड़ दे साहब, करे पृथ्वी की परदक्षिणा देव जाए बस बैकुंठे, जुन्नी संकट मोक्ष नहीं है लख्या न अवचल मंठ। अवचल मंठ सतलोक सच्चा स्थान, वो बंदी छोड़ का सतपुरुष का। भई स्वासा पारस परश नाही जप्या न अजपा जाप। अब देख लो तोड़ कर रखा है वो सांस का सुमरण जपा जाप स्वासा पारस, यो तो जप देनी और हंडने से जो है ना दुर्गति में पा दिए। भाई स्वासा पारस पर से नाही जप्या न अजपा जापे, अनंत उपंग किए मन बोरे मिटे न तीनू तापे। अनंत फंड कर लिए इतने, तो ऐसा बड़ा बड़ा योगी भी हो लिया, तपस्वी भी बन लिया है, चारों वेदों को कंठस्थ याद कर लिए, नीपती तेरे तीनू ताप नहीं मिट लिए, ये दुख तेरे सिर पर ज्यों के तू बने हुए। बैरागर की खान जहां है क्या पारस की भेंट, गरीब दास अवगत पद पर से सबसे ठुन के सेठ। बंदी छोड़ सब सेठों के सेठ, सब परमात्माओं के परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब हैं। अब देखो बंदी छोड़ के हैं अविनाशी दुल्हा देखिए हो, जम जोरा के कागज छेकिए हो। अविनाशी दुल्हा वो पूर्ण परमात्मा पति सतपुरुष हमारा है, और इस जम जोरा यानी काल के कागज खत्म करिए। कच्छ मच को रंभ शेष लग सब ही तुमरा अंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तुई है आन चुआया रंगे। बंदी छोड़ के हैं कि प्रधानमंत्री में मुख्यमंत्री की भी शक्ति हो स, डीसी की भी होती है, मंत्री की भी हो स, तक है मारा दी तुए से जो कुछ है। कच्छ मच कूरंब शेष लग सब ही तुमरा अंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तुई है आन चुआया रंगे। जल बूढ़े नहीं अगन जरत है अवगत अकल अमाने, चंद सूर और पावक पानी रचे जमी असमानी। आपने किया इंद्र कुबेर वरुण धर्म राया सब तुमरा परवे, 33 कोट और 88 बाढ़ अधिक सने, अष्टकुली पर्वत पासाना और 18 भार, अचरा अचर में व्यापक है रे खेल सृजनहार। अष्टकुली अब नाग बखानो जलथल सागर सात, 3.5 करोड़ नदी है सब नाथन के नाथ। गगन मंडल तारायण तु ही है सृजे कीट पतंगे, थावर जंगम जून बनाई खेलत है बहुरंगे। स्वर नर मुनि जन गंधर्व ज्ञानी सृजे पुरुष और नारे, आद पुरुष तेरी ऐसी माया प्रासक्ति आधार। 84 जात बुनाही न्यारी न्यारी भांते, सकल समुन्दर ईरा नाही मोती उपजे स्वाति। एक रतन केसे शंख रतन है शंख रतन का एक, गरीब दास रवि किरण सबत्र जैसे सूरज देख। कहते हैं उस एक रतन से ये सब रतन हुए हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, लेकिन सबसे एक नहीं हो सकता। जिस प्रकार सूरज की किरण है न्यारी न्यारी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के अंग है, हम भी उसी के अंग है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के। अब आपको संतों के बारे में थोड़ा सा वर्णन देते हैं, क्योंकि बंदी छोड़ कहते हैं कि रुख वृक्ष आसन कर ना कहीं मांगण जावे, ये मांगते फिर उन्होंने कह इसकी कोई ना आवश्यकता, जब तेरे द्वारा तत्व भेद है ना सही नाम सार नाम की तेरे पास कमाई है, तन मांगने की आवश्यकता नहीं भाई, इतना ढूल आ जाऊंगा। मांगे तो वह जिनके पास तत्व भेद नहीं है। इब आप देख रहे हो हम ना तो लाल कपड़े पहन रहे, अरे भाई ना किता कान पड़वा रखा, ना किता जोड़ी ठाए हंडते, और बंदी छोड़ ढूल आने लाग रहे हैं। देख ले 4-3 साल तो मना हो लिए, हाथ जोड़ के नो बल्कि मार डगावा सा भाई तू रख ले मारे बस का नहीं, तो छोड़ का आए थे। बात यह है कि आगे तागे बंदी छोड़ सामने कल्पना बन जाना किसी वस्तु की कि सुबह इस चीज की आवश्यकता थी, तो 5 मिनट नहीं लाने, जब एक व्यक्ति आ लेगा जी कल तो वह चीज लाऊंगा या लेकर आवगा किया आगे जी, तो बंदी छोड़ कहते हैं थारे वो भ्रम है, क्योंकि सच मार्ग पर नहीं डटते,
परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के साथ तुम जुड़ कौन रहे। थोड़ी कथा सुनाएंगे सतगुरु की महिमा का। एक बार गरीबदास महाराज की ही परंपरा के अंदर एक दयालदास नाम के संत हुए, उनके नाम की कोठी बनी हुई छुड़ानी में, वो आश्रम बना हुआ जो भक्तराम जी संचालन कर रहे हैं। वो क्या क्या करते, सतगुरु की वाणी को सिर पर रख ग्रंथ साहिब को, और इधर बिहार साइड में आंध्र प्रदेश में दूर दूर तक उनका प्रचार कराया करते। उनके साथ 200-300-500 तक महात्मा रहा करते थे। उनका एक नियम था कि मेरे बंदी छोड़ का ये नियम है, जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिर अज्ञानी और जोगी जोग संपूर्ण, जिसका जो मांग ना पीवे पानी। संत वो है जो मांगे नहीं, पानी भी आप पहले खड़े रहे लो जी पानी पी लो तो वो संत है, और मांगदा हंड है वो संत नहीं सबीरा। तो कहते हैं इस परीक्षा को मैं सफल होने के लिए अपने बंदी छोड़ की करामात दिखाने की खातिर कितने जाकर बैठ जा करते शहर तबार, और एक घंटे के भीतर बंदी छोड़ की प्रेरणा से सेठ लोग या गांव में गए तो गांव के न टोकरिया में रोटी भरभर सब्जी भरभर उन सबको जमा करा करते थे। एक समय की बात है कि उनके साथ एक मेरे के साथ ठग हो लिया, जो 300-400 रुपये ले रहा था, और उनका नियम था मंडली में को नया पैसा नहीं लेकर चल लगा, अगर पैसा होगा तो खबरदार हमारे साथ रहने की आवश्यकता नहीं। तो महात्मा दयालदास जी ने बेरा नहीं पाटा, और उन्हें तीसरी जून उगी रोटी ना मिली, कलकत्ता के बाहर बैठे। अब जाके झाड़िया में जब तीसरी जून उगी, क्यों बेजती हुआ अब तू तन्यो का था गरीबदास इतने से बैठ के झाड़िया में छक्कर रोया, बोला बंदी छोड़ मैं पापी जीव सू, हो सके मेरे से कोई गलती होगी, बंदी छोड़ याद तो दिवा दो। सपने में सोया तक किसा था, जो थोड़ी सी देर आंख जल की थी, जब मैंने बोला तेरी मंडली में एक संत है जिसके पास पैसे हैं, और तेरी रोटी तेरा भोजन तेरे पास है भाई, इतना मैं भेज नहीं सकता। बंदी छोड़ दिखे तड़के उठते, उसने सारे फालन कर लिए बाबा जी ने, बोले भाई जिस द्वारा पैसे अड़ा दर दो, जिस द्वारा पैसे हैं वो खड़ा होकर यहां रख दे, और ना तो मंडली छोड़कर चला जा, ना तलाशी ली जागी सबकी। जब तलाशी का नंबर आज भी उठाओ मेरे के साथ, ने बोला 400 रुपये ले रहा हूं ना दो, बोला ना दे तो गोली हो। वो कहे थोड़ी दूर गया 2 किलोमीटर, इतना ही बंदी छोड़ने बना के एक किसी भगत का रूप है, और सारे के रूके मार गए। ने बोले अरे महात्मा भूखे बैठे रह, तारा के बनेगा सेठो। कहते उसी से बह गया हम रोटी घाल घाल सब्जी घाल घाल भिजवा दी, और 2 घंटा में 500 साधु जमा दिए। बोल सतगुरु देव की जय। तो कहते हैं गरीब रूख वृक्ष आसन करे, ना कहीं मांगण जावे, आसा तृष्णा थिर हो जाकी, सहजे चला आवे। भाई द्रोपद सुता के चीर बढ़ाए, बिन ही तुम बेकाते, वो सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, तुम क्यों मांगण जाते। गरीब नट पेरना कांजर सासी, मांगत हैं भठियारे, अर्जा की तारी लागी, तत्म व मोती दवे उधारे। गरीब बिन ही मांग्या देत, चिदानंद छाजन भोजन लोई, ये 56 भोग संयोग सुरत ते आव नई रसोई। गरीबे नौ निधि बार सिदी तास के झूले अदर अधारे, जो मांगे तो साहब लाजे, सुनियो हर के प्यारे। गरीब आप त आवे रतन बरोबर, मांग्या आवे लोहा, ये लक्षण नहीं जोग के, जोगी जा बसा बन खोहा। कहते आप तो आपके पास आ गया रतन बरोबर से, उसको प्रयोग कर, बाकी धर्म अपने नाम आपके लिए जितना आवश्यक है वो आप व्रत लिए, बाकी अपने धर्म पे आश्रम में या भंडारे में कहीं लगा दीजिए। आप ते आवे रतन बरोबर, मांग्या आवे लोहा, जतन मांग लिया किसी तो लो बराबर से। और कहें ये योग लक्षण नहीं जोग के, जोगी जा बसा बन खोआ, बन में भी फिर गुफा बना ली, खोआ कहें गुफा ने, ये साधवा के लक्षण को न। गरीब मोक्ष मुक्ति को मुंड मुंडाया, रहा वार का वार है, अपना प्राण स्थिर ना कि नैब किसने पर उतारे। दुनिया उपदेश दिंदा हंड है, और आप विश्वास भी कोई नहीं अपने इष्ट के ऊपर है। कहते हैं जिनके इंद्री गरीब एक मांगे, एक भिक्षा गाले, पामर खाव प्रीत बिना, शब्द हमारा बोझो भाई, शब्द ने आवे अतीत बिना। गरीब जिनके इंद्री उदर नहीं, वो तरवर भी फल देवे, और नर तो घर घर मांगत डोले, क्यों ना पार ब्रह्म को सेवे। कहते हैं जी वृक्ष है, इनका बेचारा पेट नहीं, कोई इंद्री नहीं, और ये भी देश है, किसी ने फल देते हैं,
और तू मनुष्य होकर परमात्मा का नाम लेकर भी तू फिर मांगता हंड है, तो क्यों ना सत नाम का, सच्चे नाम के किसी गुरु से संपर्क करके अपना भाई भक्ति कर ले। तो वो जो मांगते फिरते उनको तो बंदी छोड़ कहते हो तो कुत्ते हैं। कैसे? गरीब टूका कारण फेरे कुकरा सत्तर घर फिर आवे, ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा विरुद्ध लो जावे। टूका कारण फेरे कुकरा और सत्तर घर फिर आवे, ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा विरुद्ध लो जावे। गरीब केले की कोपीन बनावे बनफल भोग लगावे, श्रीता का तो पानी पीवे जो गुरुद्वारे ना जावे। वो भी तन हट कर मन कहते कई ने बोले तो इसे भी तो देखे महात्मा, जो कोले केले की कोपीन बनाकर बन मरे से पानी पी ले फूल खा ले फल खा ले तो वो तो साधु होंगे, बंदी छोड़ने का ना कहते हैं और बस्ती में नहीं जान दे। गरीब केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, अर नरका मुख ना देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वह जंगल के रोज है जो मनुष्या बिद के जाही, और निस्तिन फिरे उजाड़ मुनो परमात्मा पावे नाही। वो तो जंगल के रोज से जो आदमिया देखो भाग रहे से, सार नाम है सच्चा नाम है, आप कहीं बैठकर भक्ति कर सकते हो। बंदी छोड़ प्रमाण दिया जितने संत है ये सब अपने बस्ती में रहकर ही पार हुए। कहते हैं केले की कोपीन बनावे बनफल भोग लगावे, और श्रीता का तो पानी पीवे वो गृह द्वारे ना जावे। गृहस्थियां के बारे में आगे नहीं जानते, कहते वो तो साधु होंगे कि नहीं। वो गरीब तन हट मन हट कर कह, वह तन हट कर है और मन सामाए डोले चौधरी नो की नी शरण का मा, तन तन मन हट कर कह तन हट कर है, और भाई मनसा माहे डोले जाकी सुरत शब्द सुन लागी वह दूसरे से क्या बोले। जब तक जिसके पास सार नाम नहीं है ये वाय बात जीने वाली सब आई, जिसका जीना नहीं ठहरा इतने कितने कि मिला गया रही हो, चाहे भूखा लागी हो चाहे उल्टा होकर चढ़े जाइयो चाहे कुकरे चढ़ियो, पर वो वस्तु पहुंच ही नहीं सकती। इमारत कहे यू रास्ता ही नहीं ऊपर जान का, तो तुम किस इवनों का अच्छा भाई फलाना महात्मा बुद्ध था उसने तो बड़ा वो फला दिया, वो तो पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा कितना पहुंचा बेरा बंदी छोड़ बता, वो फिर आ लिया बेचारा उल्टा फिर गदी गेट में रहेगा। ये 20 बातों को महसूस करते हैं कई भाई, हमने एक जिक्र कर दिया नो बोला फिर तो दिल टूट जाएगा भक्ति तो जब कम कहते हो भाई महात्मा बुद्ध कभी उपलब्धि सही नहीं हुई। महात्मा बुद्ध ने क्या उपलब्धि हुई थी कि काफी दिनों तक भ्रमता रहा फिर मरण न हो गया, जब एक बुढ़िया ने उस ताई खीर खवाई थी और फिर उसमें फड़फड़ी हिली, फिर उसने साधना की, कहते एक प्रकाश दिखा थोड़ा सा और उस प्रकाश को मान लिया को हो तुम तो बहुत कुछ पा लिया, फिर लाग गया उपदेश को उपदेश करण दुनिया बंडागत दीन हो गया सारे पार कर दिया, अब तो हो जियो पार महाराज के। वो प्रकाश है क्या चीज? प्रकाश तो सारे देवताओं का है, विष्णु जी का भी प्रकाश है, ब्रह्मा जी का विश्व प्रकाश है, विष्णु जी का शंकर जी का भी प्रकाश है। वो प्रकाश रूप में दिखे से और फिर वो अपने असली रूप में दिखाई देते हैं, लोक पहुंचने से पहले बहुत तेज प्रकाश आ जाता है, काफी योजन तक प्रकाश ही प्रकाश हर लोक में जाती दफा, तो उस प्रकाश को देख काम ने सोचा ओह बस दोगी झलक झलक के उड़ा लो भी ना जा लिया बता तो महाराज कहते हैं उनको हमने कहा था कि वो नहीं बनी बात, तो नौकरे तो बेसरा ध्यान से ठीक से भाई बेसराते। गरीब पांचों इंद्री कसके बांधे और छठा मन भाई, जाके राजा पराधीन है तीन लोक ठकुराई। कहते पांचों इंद्री कसके बांधे और छठा मन भाई, अपने स्वार्थ छोड़ दे, नो इच्छा रा गई यू और हो जा। और फिर उसने कहा भाई थोड़े दिए पैसे आड़े नो बनावांगे, मारा लेखा बनो चाहे ना बनो मन ना डके में बांधनी है, को दे उसका भला बनेगा इनका भला, ना अपना कर्म किता नहीं अपनी भक्ति करा डटके, बनेगा तो थारे लिए बनेगा थारी पीढ़ियां खातिर बनेगा, ना बनेगा तो कति नो इच्छा नहीं कि यू बने, नो इच्छा हुई उस दिन को बस दिमाग में घूमन लग जाएगा, रसोई की जरूरत थी अड़ा बाथरूम की जरूरत थी, महाराज यू बढ़िया है ले समय आओगा तो बना कर फिर हम बंदी छोड़ साथ दे रहा हम और के चाहिए। तो कहते हैं पांचों इंद्री कसके बंद है और छठा मन भाई, और जाके आग राजा पराधीन है तीन लोग ठुकराई। ये मांगन लाग गया तेल थरबर ना खड़ा रहूंगा तीसरे दिए भाई काटिए पर्ची 20 रुपया की, मेरा के आठ लाग रही है, एक कोठड़ी बतेरी बाथरूम बतेरा रात काटन ले, जिसने भजन करना हो कितना भी कर सकता है। तो इस प्रकार जब तक हम यथार्थता को नहीं पकड़ेंगे इतने भ्रमते रहते हैं।
गरीब तत्वों तंतो बीच लगी है तारी मन बुद्धि अगम अगाहा रतन सिंध ने नोम जुलक फिर कांप काल सुराहा। गरीब जिनके आत्म ज्ञान नहीं है वो मांगे रे भाई फिर चावल चून इकट्ठा करके वो ब्याज बदाम है जाई। कहते जिनने कथी ज्ञान नहीं ना वो मांगते हंडे। जिनके आत्म ज्ञान नहीं से वो मांगे रे भाई चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बदाम है जाई। भंडारा पा गया अच्छा धन है उसने बेच के और बैंक में जमा अभ्यासता होगा बताओ ब्याज ने चाटेगा तो ने करना ब्याज का ब्याज नहीं की प्रक्रिया नहीं जानी तेरी वह बीमारी तो काहे का तुम मुक्ति की उम्मीद रखता है। गरीब पा गरीब गृह द्वार ग्रह बहुत है मांगी भीख ना खावे और कोट पाप का मोल जहां है तो को कौन छुटावे। जे किसी भी गृहस्थी के घर में आपने रोटी नहीं खानी आपके ऊपर बहुत गणा भार बढ़ जाएगा। कैसे महाराज कहते हैं कि जिसके ईश्वर पद से मर हम नाही गिर ही आन उपासी जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी। अब बता दिया कि जो आपका उपदेशी नहीं है हमारा नाम नहीं ले रखा उसकी रोटी मत खाना उसका ऊपर तो पूरा भार दे रहा है तीन लोग ताए के पाप कर्म उसके ऊपर जमा से उसका अन्न मत खाना काल की फांसी पड़ेगी। अपने हंस को अपना बनाकर उसको नाम दे करके हम पाठ करने जाते हैं पहले उसको एक उपदेशी बना लेते हैं उस घर के आदमी को नहीं हम पाठ करने नहीं जाते कति भी चाहे को किमे भी हो तो पहले उसके एक सदस्य को नाम दे देते हैं फिर हमारा वहां पर पाठ करने राव जैसे जब हम पाठ करने जाते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं ईश्वर पद से मर हम नाही गिर ही आन उपासी। आन कहे दूसरे कबीर साहब ने छोड़कर और क्या है कि पूजा करता कोई माता की कोई मसाणी की कोई किसी वस्तु की उस उपासी का उस उपासना करने वाले हंस की हम कभी भोजन नहीं खाना चाहिए। गरीब डूम बाट बैसा सांसी का पैसा जाके आवे बिन ही बुझा जात्र सातल नीच धान जो खावे। ये मांगते हंड के बेरा किस दिन तक कमाई करता अगला। कहते इनका भोजन डूम भाट वैसा सांसी और इनका भोजन जो खावेगा बिन ही बुझा जावा नरक में उसने कौन छुटावे। जो नीच धान जो खावे नीच का नीच अन्न नीच कमाई से किया हुआ अन्न नीच जाति से नहीं संप्रज्ञा पे एक नेक नीति तो अपनी मेहनत मजदूरी का करता हर वो चाहे कितनी छोटी जाति का हमने वो प्यारा से और नाम ले रखा है। लेकिन नीच धान उनका है जो बुराए बुरे ढंग से पैसा कमाता है चाहे किसी ऊंच जाति से है चाहे किसी जाति से। गरीब नट प्रेरणा कांजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे और कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कज। बंदी छोड़ने के है कि नट प्रेरणा कांजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे कौन सा ब्राह्मण के ले कर सारे धन ने और फिर बढ़िया के बेच के अब ठाट तो दारू पीवे का अपने कौन बेन पाले वो बुरा कहावे। गरीब नट प्रेरणा कांजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे और कसाई डाकोत बराबर वो डाकोत है ना कसाई बराबर से मतो कसाई डाकोत बराबर सब बनिया कहावे सत साही। गरीब भक्ति बिना क्या होते है भरम रया संसारे रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। गरीब भक्ति बिना क्या होते है भावे काशी क्रोहत ले मिटे नहीं मने वासना बहुविध भरम संदेह। गरीब भक्ति बिना क्या होते है दरो को बुझो जाए सवा शेर अन पामते अटल राज दिया सोए। गरीब तत कैन को राम है दो जाना देवा बर्मा विष्णु महेश से जाकी कर है सेवा। तत कैन को राम है दो जा नहीं देवा
धर्म विष्णु महेश से जाकि कर है सेवा, जप तप तीरथ थो तेरे जाकि क्या आशा, कोट यज्ञ पुन दान से जम कट नहीं फांसा, जप तप तीरथ थो तेरे जाकि क्या आशा, कोट यज्ञ पुन दान से जम कट ना फांसा, यहाँ देन वाले न है यो मिट ना झगड़ा, वा बिना पंथ की बाट है पावे को दगरा, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का अमरापुर जावे, सकल दीप नौ खंड के अक्षत्री जिन जीते, सो तो पद में ना मिले विद्या गुण चीते, कोटि उनंचा जिन दीनी कोट उनंचा पृथ्वी जिन दीनी दाना, परशुराम अवतार को कीनी कुर्बाना, कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम देन कल्प रक्ष रे सो दान कराही, सुर नर मुनि जन सेवे ही सन कादिक ध्यावे, शेष शेष मुख रटत हैं जाका पार ना पावे, ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, शंख कल्प युग हो गए जाकि खुले ना तारी, परल शंख असंख रे पल माही बिहानी, गरीब दास निज ना हम की महिमा हम जानी, असंख परल शंख असंख रे पल माही बिहानी, गरीब दास निज नाम के महिमा हम जानी। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार भाई रति कंचन पाया नहीं, देखो रावण चलती बार, परमात्मा के नाम के बिना यहां रावण जैसे ठाठ, रावण जैसी ऐस, सर्व सोने की लंका, एक से एक बलशाली भाई, ऐसा शायद ही किसी के पास हो पावे। कहते हैं वो भी नाम के बिना टिक नहीं पाए, निज नाम के बिना उनको सही ठिकाना नहीं मिला। ये बात नहीं है कि रावण भक्ति नहीं करता था, बहुत करता था, अपने सिर को काट के, अपने धड़ को काट के और भगवान शंकर के चरणा में चढ़ा देना कोई छोटी भक्ति नहीं है। लेकिन उस निज नाम के बिना बंदी छोड़ कहते हैं कोई लाभ नहीं होता, दान पुण्य का भी लाभ नहीं है जो इच्छा रूपी किया जावे, तीर्थ व्रत ये भी करण का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां पर दान किया तीर्थ व्रत पर गए स्वर्ग में अपनी की कमाई को खा लिया फिर वापस आ गए। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्पुरुष के नाम निज नाम से यानी उसार नाम से जीव की बीमारी कटेगी, उसके बिना चाहे कितना तप किए, रावण जिसना कोई तप या भजन नहीं कर सकते, इतनी कुर्बानी भी नहीं की जा सकती, लेकिन उस सार नाम के बिना उस निज नाम के बिना ये जीव ने दुर्गति में आ जाता है, परिवार भी नष्ट हो गया और यथार्थ ज्ञान ना होने की वजह से अपना सर्वनाश करा के रावण चला गया। अब कहते हैं भक्ति करने इच्छा हर आत्मा की करती है, दान करने को भी उत्सुकता हो जाती है जब इसने सत्संग सुन को मिल जाता है, कोई पुण्य भक्तजनों की जब इसको संग हो जाते, अब करे क्या बेचारी आत्मा, करे कहां जाकर के ये जीव दान और किसका नाम लेवे, ये उलझेड़ा काल ने लंबा कर रखे उसे। तो सतगुरु कबीर साहब ने गरीबदास जी ने आकर के ये यथार्थता में लाकर बिल्कुल साफ कर दिया कि भजन करे तो इस नाम का करे, दान करे तो यूं करे कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, दान करके न्यू बाट नहीं देखे मारा घर में न्यू ना होया, या इच्छा करके दान किया जाता है कि मारा न्यू हो जाते एक पाठ करवाऊं, वो पाठ लाभ तो देगा पर उतना ही देगा आपके कार्य को सिद्ध कर देगा, आगे उसका कोई फल नहीं मिला आपको। और महाराज कहते हैं बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, जो बिना इच्छा दोगे उसका वो फल भी मिलेगा
और साथ में आपको अमर लोग सतलोक ले जाने में वो भजन में सहयोग हो जाएगा, सहयोग देगा। तत्कहन को राम है दो जानी देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। उस परम पिता परमात्मा का राम तो सभी को कहते हैं, तीन लोक के भगवान भी राम से, रामचंद्र जी कृष्ण जी भी राम है और जितने भी ये नौ अवतार भी राम को है, लेकिन तत्कर्ण को राम है दूजा नहीं देवा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है जो सतपुरुष है। सब कहें कि कुल का खामिद एक है, कुल का मालिक एक है, भगवान एक है, फिर न्यारे न्यारे राम कितना आगे भाई, कोई कह खुदा बड़ा, कोई कह अल्लाह बड़ा, कोई राम बड़ा। उस राम तक तो बुद्धि पहुंची को नहीं, क्योंकि सतगुरु के ज्ञान के बिना उसकी जानकारी नहीं होती। अब ये सामने चित्र है, इसको आप देखिएगा, ये चित्र दिखाना भाई इधर, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन का चित्र है जिसको काल कहा संतों ने, कबीर साहब ने, और इसी की अंदर यानी सारा ये ब्रह्म रूप है। इसके अंदर ये पृथ्वी भी, चांद भी, सितारे भी, लोक भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, माता भी, सारे आ जाते हैं। ये सामने आप चित्र देख रहे हो, ये ज्योत स्वरूपी भगवान जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 14 भवन 21 ब्रह्मांड इसी के अंतर्गत है। इसमें तीन लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी 21 ब्रह्मांड के अंदर आ जाते हैं। ये सारे स्थान बता रखे हैं शरीर के अंदर, इसी प्रकार इस ब्रह्मांड के अंदर इनके अपने लोक हैं। मूल कमल में जो सबसे नीचे मूल कमल है, इसमें गणेश जी रहते हैं, इनकी चार पंखड़ी है। ये शरीर में भी कमल है हर इंसान के, मनुष्य के, और इस ब्रह्मांड के अंदर भी इनके अपने लोक हैं। जिस प्रकार टेलीविजन के अंदर चैनल लगे होते हैं, जिस चैनल पर आप देखोगे उसी चैनल के कार्यक्रम उस टीवी पर आप देख सकते हैं, लेकिन वो टीवी में नहीं है, और टीवी में है भी वो असली वस्तु तो कहीं और है, पर उसमें दिखाई दे रही है। इसी प्रकार शरीर के ये उस निरंजन का ये बनाया है रूप इसमें, और इसके अंदर इसी प्रकार इसने मनुष्य को अपना शरीर दे रखा है, नर रूप, नारायण रूप। दूसरे नंबर पर ब्रह्मा जी जिसमें 6 पंखड़ी हैं, और सावित्री और ब्रह्मा जी का इसमें सारा कार्यक्रम दिखाई देता है जब इसकी साधना होकर के कमल खिल जाता है। तीसरे नंबर पर नाभि कमल है, इसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का वास है, लक्ष्मी माई का, और इनका लोक ब्रह्मांड में है, और शरीर के अंदर भी उस कमल है जिसमें 8 पंखड़ी है। इससे ऊपर शंकर भगवान और पार्वती का लोक है जो कि कमल के रूप में 12 पंखड़ी का है, ये चौथे नंबर पर। और ये शरीर के अंदर भी इनके दर्शन होते हैं जब ये इसके नाम के जाप के प्रभाव से कमल खिल जाता है, इसमें चमक आती है, चमक के अंदर प्रकाश होगा, प्रकाश के बाद फिर वो दोनों देव नजर आएंगे, पार्वती और शिव जी, फिर उनके बाद उनके लोक के कार्यक्रम जिस प्रकार फिल्म में चल रहे हैं वो देखने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कंठ कमल है जो आदि माया आदि भवानी का लोक है, ये 16 पंखड़ी का है। ये प्रक्रिया इसके अंदर है, प्रथम प्रकाश दिखेगा, फिर उसके बाद इनका असली स्वरूप दिखेगा, उसके बाद फिर ये इसके लोक में क्या क्या हो रहा है वो दर्शन आपको देंगे। इसके बाद त्रिकुटी कमल आ जाता है ऊपर माथे के बिल्कुल पिछले कान है, वहां पर हर इष्ट का वहां से चढ़ाई शुरू होती है। जिस जिधर भी आपने जाना है उस त्रिकुटी से फिर आपको ऊपर चलना होगा। इसके बाद सहस्रार कमल है जो कि पिछले हिस्से में होता है सिर का, और उसके ऊपर 1000 पंखड़ी है जिसमें निरंजन की खुद निरंजन का कार्यक्रम जो श्लोक में रहता है वहां की चमक दिखाई देती है। इसका आकार नहीं दिखता, सिर्फ चमक चमक दिखाई देगी आपको, वो लोग को ये देख नहीं सकते आप लोग। इसके बाद ये यहां तक का 21 ब्रह्मांड का राज्य है, और अलग अलग लोक इसमें ब्रह्मांड में बने हुए हैं। आखिरी जो सिरा है इस ब्रह्मांड का, आखिरी जो हिस्सा है, उसके ऊपर ज्योत निरंजन भगवान अपने आकार रूप में बैठा हुआ है, उसको झांदरी दीप भी कहते हैं, निरंजन लोक भी कहते हैं। इसके ऊपर अक्षर पुरुष जिसको पार ब्रह्म कहते हैं, जहां से निरंजन आया था उस अंडे के रूप में अक्षर पुरुष के ही को इसने जगाया था, अंडा फूट जाने से ये ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति हुई थी। इससे ऊपर सतपुरुष है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये लोक कभी खत्म नहीं होता। अब जो ब्रह्म है ये इस प्रकार, ये सतलोक नो समझ लो कि दिल्ली है वो स्थान जहां पर राजधानी है, और पारब्रह्म का अक्षर पुरुष ये समझो कि बाहरी हिस्से का कोई गांव
दिल्ली का गांव है, इतना अंतर है। तो ये राजधानी सतलोक है, सतलोक के ही एक हिस्से में पारब्रह्म का हिस्सा है। जिस प्रकार दिल्ली की जो सुविधा है वो है तो गांव में भी, पर जो विशेष दिल्ली के शहर में है, नई दिल्ली में है, वो वहां नहीं हो सकती। इसी प्रकार खुद परमात्मा वहां रहते हैं, उनके और जो अंश हैं वो बाहरी दिल्ली के अंदर समझो, यानी सतलोक के आखिरी हिस्से पे उरली तरफ आती दफा है। तो पारब्रह्म भी सथाई है, लेकिन निरंजन कति है सथाई है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तो जमा सथाई है कुछ समय के समझो। बाकी इनके दिन वर्ष बहुत लंबे बड़े चौड़े बताए हैं, समय इनका भी समाप्त होगा, हम भी मरेंगे, हम जल्दी मर जाते हैं, ये समय आने पर समाप्त हो जाएंगे, निरंजन भी चला जाओगा। तो इसको खोखापुर का कबीर साहब ने, इसको निंदा नहीं समझनी चाहिए, यथार्थ बात बताई जा रही है। निंदा होती है कोई गाली दी जा, कोई उनको भी सराहा जावे, यथार्थ बात बता दी जा कि ये सोना है, ये लोहा है, ये चांदी, ये तांबा, ये पीतल, तो इसमें कोई सराहना नहीं है। तो ये ऊपर सतलोक है, सतपुरुष उसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब रहते हैं। इनसे ऊपर अलख लोक है, फिर अगम लोक है, और फिर आखिर के अंदर अनामी लोक है, जिसका कोई नाम नहीं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज गरीबदास जी कहते हैं वो अकय लोक है, अवर्णनीय है, वहां की बात नहीं कहूंगा, वो कहण जोगी को नहीं। तो इस प्रकार वो भी सतपुरुष के अधीन है, लेकिन उन्हीं के दूसरी शक्तियां सतपुरुष की ही, अपना ही दूसरा रूप, वहां पर कोई अगम लोक में है, अगम पुरुष के रूप में है, कोई अलग पुरुष के रूप में सतगुरु महाराज रहते हैं, और ऊपर अनामी पुरुष शक्ति के रूप में, अपनी परम शक्ति पराशक्ति के रूप में जो है अनामी लोक में रहते हैं। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें बताया कि भक्ति करें तो किसकी करें, और काल 100,000 जीव रोज खावे, हमें मारे और खपावे उपजावे। अब इनकी भक्ति करके हम क्या स्थायी तन पा सकते हैं? महाराज कहते हैं ये खुद स्थिर नहीं, तुम सथिर किसको करो, तुम आप ही थीर नहीं तो जीव को कैसे थीर करोगे, बंदी छोड़ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं से कहा। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं वो असली परमात्मा सतपुरुष है, वो एक भगवान सतपुरुष है, कुल का खावी देख है, क्योंकि सतपुरुष से सारी सृष्टि रचेगी, ब्रह्मा की, विष्णु की, निरंजन की। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक भगवान जो है वो सतपुरुष है, कबीर साहब है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उन्हीं के अवतार गरीबदास जी, वही रूप वही शक्ति गरीबदास जी महाराज है। अब कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ब्रह्म रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं भाई, चलती रावण चलती रावण चलती बार। हाँ भाई इधर करिए, वो सामने कुतिया का ले यहीं से देख, वो सामने या भी कदे रानी थी पटरानी थी बेचारी, लेकिन एक भक्ति ना यहीं से ले ले, डर जाएगी फिर। कहते हैं एक हरि के नाम बिना या नार कुतिया हो, ये सामने देखियो आप एक कुतिया का हालत, क्या हाल है इस बेचारी का, खाज लगी हुई है, भूख की मारी तड़प रही है, और साथ में या जाडे से ठिठुर रही है, जब या नो क्या करती केले रस सत्संग है। पतल पाखंडी लोग हैं जो दुनिया ने बकाव से, हम तो खानदानी बहु हाँ, हमको अंजा कर दे पाखंडों में, ये देख ले बेचारी का क्या हाल हुआ। गरीबदास जी महाराज कहते हैं वह बीबी पड़दर रह थी, डोडी लगे थी वार, इब गातो गाड़ी फिर से अपन कुतिया बाजार। महाराज कहते हैं वो पड़दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गातो गाड़े फिर से वह करे सरा में सोरे, जहां दो टूक का साधन बने वहां जाकर फिर यह बेचारी सारी रात भौंकती है, टूक की खातर बैठी रहती है रोटी के टुकड़े के लिए। देख भाई देख, फिर ले उसको अभी उसी को ले। कहते हैं नकबेसर नकपा बनी, ये पह रहे थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कुतिया हो, और गली गली भौंकत फिर टूक ना डाले को, ये हालत होगा इस जीव का। भाई देख लो जिसने डर लगता हो तो आ जाओ बंदी छोड़ की शरण में, और नाम लेकर अपना आत्म कल्याण कर लीजिए सत साहेब। तो कहते हैं तत्कैण को राम है दो जान ही देवा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से जिसकी करते हैं सेवा। बंदी छोड़ने के हैं ये तीनों परमात्मा, ये बहुत पुण्य आत्मा है तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जहां तक हमने इनको असलियत बताने की बात थी वह ये है, और अब इनकी महिमा गरीबदास जी ने बहुत गाई है, ये हमारे परम साथी हैं। क्यों साथी हैं? कि हमारा रोटी का टूके का भाई वस्त्र का देखभाल राक्षसों से बचाने का केवल एकमात्र भगवान विष्णु जी हमारा सारा कार्य कर रहे हैं। तो इनको महाराज ने विशेष महत्व दिया है।